साउथ अफ्रीका से 12 चीते और भारत लाए जाएंगे। यह बात वन मंत्री विजय शाह ने खंडवा में कही। वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका वजूद इतना बड़ा है कि दुनिया में जब वो कोई बात रखते हैं तो नाना करने वाले भी चीता गिफ्ट में देते हैं। ये दुनिया की बहुत बड़ी घटना है, दुनिया की, पूरे दुनिया की नजर इस पर है। असंभव सा दिखने वाला काम मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे फॉरेस्ट के अधिकारी कर्मचारी, भारत सरकार के हमारे यादव जी वन मंत्री और सबसे बड़े हमारे प्रधानमंत्री कि जिनका वजूद इतना बड़ा है दुनिया में कि जब वो कोई बात रखते हैं तो नाना करने वाले भी चीता गिफ्ट में देते हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से दूसरे महाद्वीप से यहाँ चीता आ रहा है, ये गर्व का विषय है। नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं, उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा साउथ अफ्रीका से 12 चीते और आएंगे। नामीबिया के साथ हमारा भारत सरकार का जो MOU हुआ है वो चीते अभी आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका की टीम संतुष्ट होकर यहाँ से गई है। विजय शाह जी ने कहा कि मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द अब साउथ अफ्रीका भी MOU करेगा। साउथ अफ्रीका से 12 चीते और आएंगे। साउथ अफ्रीका की टीम फाइनली मेरे विदेश से आने के बाद, मेरे साउथ अफ्रीका से आने के बाद मैंने उनको भी बुलाया था, मेरे 2 दिन बाद ही वो टीम आई और संतुष्ट होकर यहाँ से गई है। मैं समझता हूँ कि अब बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका भी MOU करेगा और मध्य प्रदेश में चीते हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि असंभव सा दिखने वाला यह काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, भारत सरकार के वन मंत्री यादव जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से संभव हुआ है। इसके अलावा वन मंत्री विजय शाह ने पूरी योजना का खुलासा किया कि किस तरह से यह प्लान बना और किस तरह से उनके चीते लाने की योजना साकार हुई। कि 2010 से परियोजना चल रही थी, मेरे दोबारा वन मंत्री बनने के बाद 2020 में मैंने पुनः प्रधानमंत्री जी से ये बात रखी और उसके बाद हमने भारत सरकार के और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को बार बार नामीबिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका के सारे देशों को भेजा। उनकी क्या गलतफहमियां हैं, वो क्यों नहीं चाहते, वो हमसे क्या चाहते हैं। जब हमने बार बार भारत सरकार के और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को हमने भेजा और उनके मुताबिक हमने सब कुछ तैयारियां करी, मापदंड इंटरनेशनल, और फाइनली मैं स्वयं मुख्यमंत्री के निर्देश पर, भारत सरकार के निर्देश पर तंजानिया गया, साउथ अफ्रीका गया, उन अधिकारियों की जो गलतफहमियों को हमने दूर किया और अब 16 तारीख को सारे नामीबिया के साथ जो हमारा भारत सरकार का MOU हुआ है वो चीते अभी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का जन्मदिन है 17 तारीख को साउथ अफ्रीका महाद्वीप से एशिया महाद्वीप में मध्य प्रदेश के जंगलों में, इतना बड़ा प्रधानमंत्री दिन का तोहफा नहीं हो सकता। मैं स्वयं भारत सरकार के मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह जी, हम लोग सब बहुत अलर्ट हैं, दौरा कर रहे हैं, कल फिर हम वहीं जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना होने जा रही है। खंडवा से अनंत महेश्वरी की रिपोर्ट।